पीछे वाला पैर जो रहेगा वो ग्राउंड में टच होगा। बॉडी हमारा बॉल के लेंथ के हिसाब से आगे पीछे होगा। हमें कभी भी स्वीप आते साथ अपना हेड नहीं घुमाना है क्योंकि हेलो क्रिकेटर्स, दिस इज सुमन सेठी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल मॉडर्न डे क्रिकेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वीप शॉट के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया स्वीप पर वीडियो बनाओ, स्वीप पर वीडियो बनाओ, मतलब कमेंट सेक्शन भर गया था इस टॉपिक से कि भैया स्वीप पर वीडियो बना दो। तो आज फाइनली जाकर हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। स्वीप एक ऐसा शॉट है जिसे यूज करके आप बॉलर के अच्छे बॉल को भी चौका या छक्का मार सकते हो। मतलब स्पिनर्स जो स्पॉट बॉलिंग करते हैं, जिस जगह स्पॉट रखकर वो बॉलिंग करते हैं उसी लेंथ को स्वीप मारा जाता है। मतलब सोचो, बॉलर जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, जिस चीज पर मेहनत कर रहा है, अगर उसी लेंथ को आप चौका या छक्का मारने लग जाओ तो भैया बॉलर बचकर जाएगा कहाँ। तो इसलिए स्वीप शॉट बहुत ही इफेक्टिव है। बेसिकली हम 5 पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। नंबर 1, किस लाइन एंड लेंथ को स्वीप मारा जाता है। नंबर 2, स्वीप मारने की प्रॉपर टेक्निक क्या होती है। नंबर 3, जनरली हम क्या मिस्टेक्स कर देते हैं। नंबर 4, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए स्वीप मारते समय। एंड नंबर 5, प्रॉपर कौन से ड्रिल्स करने चाहिए सो दैट आपकी मास्टरी हो जाए इस शॉट पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लाइन एंड लेंथ। सबसे पहले लाइन की बात करते हैं। आप जब भी बैटिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप चांस पर आ गए, आपको हमेशा याद रखना है कि आप स्वीप स्पिनर्स को ही मारते हो, पेसरों को स्वीप नहीं मारता है। सूर्य कुमार यादव की बात अलग है, मैं जनरल बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, हम स्पिनर्स को ही स्वीप मारते हैं। तो आपका स्पिनर्स में चांस हमेशा लो होना चाहिए, मतलब ये, ठीक है, इस तरह से आपको बैकलिफ्ट लेना है, ऐसे स्टांस में लो रहना है। ठीक है, आपने अगर स्टांस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर स्टांस वाला वीडियो भी देख सकते हो कि स्पिनर्स में कैसे स्टांस लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो लाइन समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि हम दो लाइन को स्वीप मारते हैं, एक या तो वो लेग स्टंप या लेग स्टंप के बाहर हो या फिर ऑफ स्टंप के बाहर हो। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता इसके बारे में कि ऑफ स्टंप के बाहर भी हम स्वीप मारते हैं, एंड ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप मारना ज्यादा सेफ है अगर हम कंपेयर करें लेग स्टंप वाले बॉल से, क्योंकि लेग स्टंप में कभी कभी क्या होता है कि हम विकेट वाले बॉल को ही बैठ जाते हैं स्वीप मारने, पैड में खाते आउट हो जाते हैं। और ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप अच्छे से जज कर ले रहे हो तो भाई बहुत सारे रन आप स्कोर कर सकते हो। किस लेंथ को स्वीप मारना है, लेंथ की अगर बात करें तो आप पहले चांस पर आ जाओ, आपका जितना पैर हो सके एक्सट्रीम, जितना पैर हो सके आप निकाल लो, उसके बाद बैट के एकदम बॉटम में पकड़ के एक सेमी सर्कल बना लो यहाँ। ठीक है, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ये आपका रडार है। इस सेमी सर्कल में अगर बॉल गिरता है तो आपको यहाँ से बैठ के आप स्वीप मार सकते हो, मतलब आप जिस बॉल को डिफेंस करते हो ना उसी बॉल को आप स्वीप भी मार सकते हो, अगर वो बॉल ऑप्शन के बाहर हो या फिर लेग स्टंप के बाहर हो या एकदम लेग स्टंप पर गिर रहा हो। गॉट इट। उसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि आप किसी भी अपने बॉलर फ्रेंड से पूछ लो कि आप लोग स्पॉट बॉलिंग कहाँ करते हो। जहां पर बॉलर स्पॉट बॉलिंग करते हैं प्रॉपर उसी लेंथ को स्वीप मारा जाता है। जनरली बॉलर यहाँ पर स्पॉट लगा देते हैं और सिंगल विकेट बॉलिंग करते हैं, तो उसी लेंथ को स्वीप मारना है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लेग्स के बारे में कि हमारा फुटवर्क क्या रहेगा। आप जब भी स्वीप मारना है आपको, आप चांस पर आ गए, आपने जज कर लिया कि ये स्वीप वाला बॉल है, आपको अपना पैर बॉल के लाइन पे निकालना है। मान लो ये बॉल है तो आपको बॉल के लाइन में पैर निकालना है। ठीक है, ना अंदर ना बाहर, सीधा बॉल के लाइन में, सो दैट अगर मिस भी हो तो आपके पैड पर लगे। हम जब भी कोई क्रॉस बैटेड शॉट खेलते हैं हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि बॉल के पीछे हमारी बॉडी होनी चाहिए। अगर क्रॉस बैटेड शॉट खेलते समय आप बॉल के पीछे बॉडी नहीं रखोगे तो अगर आप मिस करते हो तो सीधा बोल्ड हो जाओगे। चाहे आप फ्लिक कर रहे हो, चाहे आप कोई भी शॉर्ट आर्म जैब मार रहे हो, तो हम बॉल के लाइन में अपनी बॉडी को लाते हैं। बॉल के लाइन में पैर निकाल लिया आपने, अब आपका ये पीछे वाला पैर जाएगा नीचे, इस तरह से आपको नी में बैठना है। बहुत से प्लेयर क्या करते हैं, पूरा नी में नहीं बैठते और ऐसे मार देते हैं, आपके बॉडी में ना बैलेंस रहेगा ना शॉट में पावर रहेगा। ठीक है, साइड से देख लो, स्वीप मारते समय पीछे वाला पैर जो रहेगा वो ग्राउंड में टच होगा। गॉट इट। फुटवर्क समझिए क्या होना है ये। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी के बारे में। बॉडी हमारा बॉल के लेंथ के हिसाब से आगे पीछे होगा। साइड से देख लो, बॉल अगर यहां पर है तो आपको ये आप स्वीप मार रहे हो, राइट। बॉल अगर थोड़ा सा पीछे है तो आपको अपने बॉडी को हल्का वेट ट्रांसफर आगे करना है और यहां से स्वीप मारना है। बॉल अगर और पीछे है तो और ज्यादा अपना वेट ट्रांसफर आगे करना है, बॉडी को हल्का बेंड करना है और यहां से स्वीप मारना है। ठीक है, बॉल बहुत ज्यादा अगर ऊपर हो तो आपको बस हल्का गाइड करना है, यहाँ पर आप जोर से नहीं मार पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा गाइड करना पड़ेगा, बस बैट को टच कराना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि बॉडी का क्या रोल है। अब बात करते हैं कि हमारा हैंड पोजिशन क्या रहेगा। स्वीप मारते समय हमेशा आपका जो
हैंड है वो ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि हम फ्लॉप स्वीप नहीं मार रहे, स्वीप या तो चौका जाएगा या तो सिंगल होगा या डबल होगा, छक्के के लिए नहीं मार रहे, तो बैट ऊपर से नीचे आएगा। और जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिस समय बॉल बैट में लग रहा है उस समय बैट हमारा रोल होगा, गॉट इट, ये सो दैट बॉल नीचे जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हेड पोजिशन के बारे में, यहां पर आता है हमारा सबसे मेन पॉइंट। जनरली सारे बैट्समैन यही मिस्टेक करते हैं स्वीप मारते समय, यहां पर ये क्या करते हैं, स्वीप मारते साथ ही अपना हेड घुमा देते हैं। हमें कभी भी स्वीप मारते साथ अपना हेड नहीं घुमाना है, क्योंकि अगर आप हेड घुमा देते हो ना तो वो आपकी टेंडेंसी बन जाती है, फिर बॉल यहाँ कनेक्ट हो ना हो आपका हेड घूम जाता है और आप सीधा पैड में खा जाते हो। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नेट्स कर रहे हो, ड्रिल्स कर रहे हो, उस समय आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, उधर देखना ही नहीं है, आपको सारा फोकस यहाँ होना चाहिए मीटिंग पॉइंट में, जहां पर बॉल बैट में लग रहा है, तो ये स्वीप मारना है, ठीक है, ये स्वीप मारना है, उसके बाद आपको देखना, आप देख सकते हो। पर यहाँ पर स्वीप मारने के बाद 2 सेकेंड होल्ड करना है, फिर पीछे जाना है, गॉट इट। तो आप प्रैक्टिस में ये करो, हेड को डाउन रख के स्वीप मारो, मैच में ऑटोमेटिक आपका सर घूम जाएगा, क्योंकि रन्स लेने के लिए आपको सर घुमाना ही पड़ेगा कि भाई बॉल जा कहाँ रहा है, किस फील्डर के पास जा रहा है या गैप में जा रहा है, तो मैच में ऑटोमेटिक सर घूम जाएगा। आप प्रैक्टिस में कोशिश करो कि आपका हेड हमेशा स्टेबल रहे, एक जगह पर रहे, ये। सो क्रिकेटर्स अब बात करते हैं कि अगर बॉल ऑफ स्टंप में रहेगा तो ऑफ स्टंप से कैसे स्वीप मारना है। सारी चीजें सेम रहेगी यहाँ पर, आपको स्टांस में रहना है, ऑफ स्टंप के लाइन पर पैर ले जाना है, मतलब बॉल के पीछे आपका पैर होना चाहिए, सेम बॉडी वैसे ही जाएगा, आपका बॉडी अलाइनमेंट भी स्ट्रेट रहेगा, आपको गिरना नहीं है, हेड हमेशा आपके नी के ऊपर, और यहाँ से आपको स्वीप मारना है, सेम सारा मैकेनिक्स वही रहेगा, बैट ऊपर से नीचे आएगा, ये, गॉट इट। बात करते हैं जनरल मिस्टेक्स के बारे में जो बैट्समैन कर देते हैं स्वीप मारते समय। जो पहला मिस्टेक है वो अभी जस्ट बताया मैंने कि आपको मारते समय अपना हेड नहीं घुमाना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के समय आपको हेड अपना वहीं पर चिल रखना 2 सेकेंड तक, उसके बाद आप हटा सकते हो, ठीक है। पॉइंट टू ये हो गया कि कभी भी आपको स्वीप जाते साथ नहीं मारना है, जब भी आप मैच खेलने जा रहे हो ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग के 5-6 बॉल में आपने बैट के स्वीप मार दिया, ठीक है, क्योंकि स्वीप एक क्रॉस बैटेड शॉट है और क्रॉस बैटेड शॉट का जो परसेंटेज रहता है कंपैरेटिवली लो रहता है सही कनेक्शन होने का, अगर हम ये स्ट्रेट बैट शॉट से कंपेयर करें तो जाकर आपको पहले सीधे बैट से अच्छे से बैटिंग करनी है, उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट फील करो तब जाकर आप बैठकर स्वीप मार सकते हो, ठीक है, इनिशियल फेज में नहीं मारना है, गॉट इट। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है जब आप स्वीप खेल रहे हो। जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है जब आप स्वीप खेल रहे हो, कभी भी अगर स्पिनर लंबा हो, अगर स्पिनर की अच्छी हाइट हो, तब आपको थोड़ा ध्यान से स्वीप मारना है, या तो कोशिश करो कि उनको स्वीप मारो ही मत, और अगर मार भी रहे हो ना थोड़ा ध्यान से मारो, क्योंकि जब स्पिनर लंबा होता है ना तो उसका एक अच्छे हाइट से बॉल आ रहा है, अगर अच्छे हाइट से बॉल आएगा मतलब गिर के बाउंस करेगा बॉल, और जब बॉल बाउंस करेगा आप तो मार रहे हो ये क्रॉस बैटेड शॉट, ठीक है, आपके पास इतना एरिया है बॉल को कनेक्ट करने का, अगर हाइट ले रहा है ना बॉल तो वो रिस्की हो जाता है, टॉप एज लगकर बॉल खड़ा हो सकता है, वहां पर बहुत ध्यान से आपको बॉल के ऊपर बैठ कर मतलब इसको दबाना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्की हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर स्पिनर बहुत तेज बॉलिंग कर रहा है तो आपको धीरे स्वीप मारना है, मतलब पैडल स्वीप कर देना है, बहुत तेज डाल रहा है, रविंद्र जडेजा टाइप का अगर स्पिनर है तो आपको जाकर बस बैट रखना है, ठीक है, क्योंकि बॉल ऑलरेडी तेज आ रहा है, आप गाइड कर दोगे आराम से चौकी के लिए निकल जाएगा, गॉट इट। और अगर स्पिनर धीरे डाल रहा है तब आप आराम से अपना पावर लगा सकते हो, आराम से अपना बैट फ्लो कंप्लीट कर सकते हो, गॉट इट। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि अगर बहुत ही टर्निंग ट्रैक मिला है आपको तो आप बिना हेजिटेशन के आराम से स्वीप मार सकते हो, क्योंकि जनरली जहां पर बॉल टर्न कर रहा होता है ना वहां पर स्ट्रेट बैट खेलना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, पर अगर आप स्वीप मारते हो तो आप विद द स्पिन खेल रहे हो, मतलब मान लो अगर आप इनकमिंग बॉलर को खेल रहे हो तो आप आराम से ऑप्शन के बाहर से स्वीप मार कर विद द टर्न, मतलब गिर के बॉल आपकी तरफ आ रहा है, आराम से आप ये स्वीप मार सकते हो, बहुत ही सेफ शॉट रहेगा। पर इसी को अगर आप मिड ऑफ की तरफ ड्राइव मारने जाओगे तो बॉल तो टर्न हो रहा है, टर्न होते होते आपका इनर एज लग जाएगा या फिर बैट पैड के बीच से बॉल घुस सकता है। ओके सो क्रिकेटर्स अब बात करते हैं ड्रिल्स के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ड्रिल बताऊंगा जो कि आप अभी के लिए कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर इसी वीडियो में बता दूंगा तो आपको कुछ याद रहेगा नहीं, तो जितना भी टेक्निक मैंने बताया उस टेक्निक को दिमाग में रखकर, सारी चीजों को दिमाग में रखकर सामने अपने पार्टनर को बोलो आपको अंडर आर्म बॉल फीड करे, अपने से अराउंड 10-15 स्टेप्स पीछे खड़ा कर दो उनको, अंडर आर्म बॉल फीड करने बोलो लेग स्टंप में,
ठीक है, सारी चीजें ध्यान में रखकर आराम से स्वीप मारो, जोर से मारने की कोशिश मत करो, बस अभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो, टाइम करने की कोशिश करो, और मारने के बाद आपको हेड अपना स्टेबल यहीं रखना है 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, फिर घुमाना है। ये करो 50 बॉल से लेग साइड करो, 50 बॉल्स ऑफ साइड करो, ऐसे 3-4 सेट कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। प्रॉपर स्वीप वाले ड्रिल्स की वीडियो मैं अलग से लाऊंगा, जिसमें अराउंड 5-6 ड्रिल्स मैं बताऊंगा, उसे करके आप आराम से स्वीप पर मास्टरी हासिल कर सकते हो। एंड आई बेट यू, मैं वो कमिटमेंट दे रहा हूं, अगर ये सारी चीजें आपने ढंग से कर ली तो सूर्य कुमार यादव के बाद बेस्ट स्वीप शॉट कौन मारता अगर कोई पूछे तो सब आपका ही नाम लेंगे। गॉट इट। सो ये था आज के लिए, होप सो वीडियो पसंद आई हो आपको और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ अगर कोई भी डाउट हो क्रिकेट से रिलेटेड, एंड बेस्ट स्वीप शॉट कौन मारता है सूर्य कुमार यादव के बाद, ये कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको जानना है कि मैंने अपने क्रिकेट गेयर्स कहाँ से लिए, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड साथ ही फ्लिक कैसे खेलते हैं, कट कैसे मारते हैं, पुल कैसे मारते हैं, ड्राइव कैसे मारते हैं, सबका A to Z वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाकर बस टाइप करो फ्लिक मॉडर्न डे क्रिकेट, आपको वीडियो मिल जाएगी। कट का जानना है तो टाइप करो How to play cut, modern day cricket, video मिल जाएगा। How to play pull, modern day cricket, video मिल जाएगा। Got it? चलिए फिर मिलते हैं आपसे next video में, जिसमें हम बात करेंगे sweep के drills के बारे में। तब तक bye bye, take care, stay safe, work hard and believe in yourself. Thank you.